स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का समुदाय है, ठीक है, जो एक साथ मिलकर मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए? हम लोग, जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो भी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, या फिर हाँ उनको एनर्जी की जो है जरूरत होती है, वो सब इसमें आते हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, जिनके अंदर लाइफ है, तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक साथ मिलकर रहते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड्स द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा जितने भी प्लांट्स हैं ना, जितने भी प्लांट्स की जितनी भी जो स्पीशीज हैं वो सारी फ्लोरा में आती हैं। और फौना क्या होता है? फौना मीन्स एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स, छोटे बड़े, बड़े से भी बड़े, जितने भी एनिमल्स, वो सारे किस में आते हैं? आपके फौना में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब। प्लांट्स भी लिविंग हैं, एनिमल्स भी आपके लिविंग है, ठीक है, और ये सब जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, दैट लिव एंड इंटरैक्ट विद इन दैट एनवायरमेंट। वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मतलब वो एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट, निर्भर है। ठीक है, जैसे एक फैमिली है, वो उसके जो लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ठीक है, किसी ना किसी काम के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। जैसे कि आप लोग छोटे बच्चे हो तो अपनी मदर पे, फादर पे डिपेंड हैं। फादर जो हैं वो काम करते हैं, वो अर्निंग्स हैं उनकी, वो पैसा घर पे लाते हैं, खाना बनाने के लिए चीज़ें लाते हैं। फिर आप सब मम्मा पे डिपेंड हो जाते हो, मम्मा खाना बनाती हैं, आप खा सकते हो क्योंकि आप छोटे हो, आपको खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, तो आप सब क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई के लिए किस पे डिपेंड हो? अपनी मम्मा पे, अपने पापा पे। ठीक है, तो ये सब जो है एक दूसरे पर, ऐसे ही हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम में एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे की मदद करते हैं जीने में। ठीक है, तो वैसे वही जो है उसी माहौल को इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है, फ्लोरा, फना एंड बैक्टीरिया आर द बायोटिक। ठीक है, ये बायोटिक में आते हैं ना, फ्लोरा। फ्लोरा भी मैंने ऊपर पढ़ाया, फ्लोरा क्या होता है? प्लांट्स होते हैं। फना क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। मतलब फ्लोरा, फना, प्लांट्स और एनिमल्स, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं? बायोटिक में आते हैं, क्योंकि इनमें लाइफ होती है। ठीक है, लाइफ अगर है, बायो मीन्स लाइफ है ना, तो ये बायोटिक में आ जाते हैं, या फिर बायोटिक को ही हम क्या बोलते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये जो है इकोसिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फ्लोरा, फना, बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो है आप जो एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को, कैसा इकोसिस्टम वो होगा, किस तरह का जो है माहौल उस इकोसिस्टम में है, वो क्या, कौन डिसाइड करता है? हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? एबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग तो वो हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने की बायोटिक हैं। ठीक है, तो जिससे उससे जो पहला आ जाता है क्लाइमेट। ठीक है, एक जगह पर एक जो इकोसिस्टम का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट ले लें हम। ठीक है, हमारे जम्मू के क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो है श्रीनगर से कंपैरिजन में ज़्यादा गर्मी होती है। श्रीनगर में क्या है? ठंड है। ठीक है, यहाँ पे बारिशें कम होती हैं, वहाँ पे ज़्यादातर मौसम बारिश का रहता है, या फिर वहाँ पे ज़्यादातर स्नोफॉल होती है। ठीक है, तो वो हो गया क्लाइमेट। ठीक है, तो उसी से क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है यहाँ के इकोसिस्टम में और वहाँ के इकोसिस्टम में। यहाँ पर कैसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहेंगे। जिसको जैसा क्लाइमेट सूट करता है वो उसी क्लाइमेट के अंदर रह सकते हैं, किसी दूसरे क्लाइमेट में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैमल की ही। ठीक है, तो कैमल भी हमारा जो है डेजर्ट में रह सकता है और कहीं भी वो नहीं रह सकता, क्योंकि डेजर्ट में ही रहने के लिए उसकी बॉडी जो है बनी हुई है। ठीक है, अब आ गया आपका सॉइल। सॉइल जो है, सॉइल भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है एबायोटिक फैक्टर है हमारे इकोसिस्टम के लिए। सॉइल वैसा है जहां पर आपके प्लांट्स, एनिमल्स जो है रह सकते हैं,
तो प्लांट्स जो हैं वहीं पे सरवाइव करेंगे जहाँ पे अच्छी सॉइल होगी, ठीक है, जो वहाँ पर अच्छे से वो ग्रो कर सकेंगे, फर्टाइल सॉइल होगी, ठीक है। तो अब वाटर है, पानी भी वैसा ही है। अब आजकल बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वाटर में यूज होते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, जो इकोसिस्टम में वहाँ पे रहने वाले लोगों को, ऑर्गेनिजम्स को पसंद नहीं आता है या आता है, उसी हिसाब से वो इकोसिस्टम में रहते हैं, एक हैबिटेट बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आगे मैं बताती हूँ उसकी एग्जाम्पल्स, रेन फॉरेस्ट जो है, रेन फॉरेस्ट भी जो है एक बहुत ये एग्जाम्पल इकोसिस्टम की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्लाइमेट, सॉइल, वाटर जो है इन्फ्लुएंस करेगा ना। जैसे क्लाइमेट वहाँ रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होगी, क्लाइमेट जो है बारिश वाला ज्यादा होगा, सॉइल जो है बहुत, रेन फॉरेस्ट में जो है प्लांट्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, घने फॉरेस्ट होते हैं, तो वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। ग्रासलैंड्स है वहां पर, प्लांट्स जो है कम दिखेंगे, नजर आएंगे, ज्यादा छोटी छोटी जो है ग्रास वो आपको दिखेगी, क्योंकि वहां पे जो है ग्रेजिंग के लिए वो लैंड्स यूज होती हैं, प्लेन इलाके होते हैं, ठीक है। फिर डेजर्ट आ जाता है, जहां पर ज्यादा रेतीला इलाका है, जहां पर रेत ज्यादा मिलती है, वो भी एक अपना इकोसिस्टम है, उसका अपना क्लाइमेट है, अपना टेम्परेचर है, अपनी जो है सॉइल का टेक्सचर है, वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी अलग अलग टाइप में मिल जाएगी आपको। डेजर्ट में लेक है, वहां का जो एक्वेटिक एनिमल्स जो वहां पे रहते हैं वो अलग होंगे एज कम्पेयर टू पॉन्ड्स। पॉन्ड्स में अलग फिशेस की वैरायटीज मिलती हैं, लेक्स में अलग तरह के एक्वेटिक एनिमल्स हमें मिलते हैं। तो यही पूरा जो है, ये सब जो है इकोसिस्टम में आते हैं, इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक एनवायरमेंट बन जाता है, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ, सब मिलकर जो है इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो लास्ट में हमने पढ़ना है ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है, ठीक है। एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय इंटरैक्टिंग विद इट एंड मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। तो ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है? एक ऐसा एनवायरमेंट जो ह्यूमन खुद खुद ने उन्होंने बनाया है, ठीक है। आपने आगे पीछे की चीजें, कितनी सारी चेंजेस जो हैं ह्यूमन जो हैं अपने आगे पीछे करते हैं, ठीक है, खुद से करते हैं वो, क्योंकि वो अपने कंफर्ट में रहना चाहते हैं, ठीक है, उनको मॉडिफाई करते हैं। आप कभी जो है पांच जब छोटे हो गए तो आपने देखा होगा आपके आगे पीछे जो घर होंगे वो वहां पे आगे पीछे पेड़ भी होंगे, लेकिन जब जब आप बड़े हुए आपने देखा होगा वो प्लांट्स भी कट गए, ठीक है, और बहुत जो बिल्डिंग्स थी और ज्यादा हाई हो गई, वहां पे मॉल्स आ गई, शॉपिंग मॉल्स बन गए, और ज्यादा जो है मॉडिफिकेशन हुई, तो वहां पर जो है रोड्स आ गए, ठीक है, गाड़ियों में मॉडिफिकेशन होती है, हर चीज में मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये क्यों, अब ह्यूमन जो है उसको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए ना, सबको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होती है, हर चीज जो है उसको अच्छे से चाहिए, ठीक है, इसीलिए वो अपने अकॉर्डिंग जो है जैसी भी उसकी नीड्स हैं, जैसी उसकी जरूरतें हैं, वैसे ही वो क्या करता है, अपने एनवायरमेंट को चेंज करता है। एनवायरमेंट क्या हो गया? अपनी सराउंडिंग्स, ठीक है, अपने आगे पीछे जो भी उसको लगता है कि ये चेंज होना चाहिए, इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इसको ज्यादा अच्छा होना चाहिए, इससे भी ज्यादा होना चाहिए, तो वो उसको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनवायरमेंट बोलते हैं। तो अब जैसे पहले अर्ली ह्यूमंस थे, अब मॉडर्न ह्यूमंस हैं। अर्ली ह्यूमंस कैसे थे, पुराने लोग कैसे थे, वो कम फैसिलिटीज में भी रह सकते थे, कम मॉडिफिकेशन से, उनके लाइफ में इतनी मॉडिफिकेशंस नहीं थी, लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस में बहुत सारी क्या है, मॉडिफिकेशंस हैं, उसने ब्रिजेस बनाए, टनल्स बनाए, रोड्स बनाए, ठीक है, बहुत सारी जो है चेंजेस जो है उसने अर्ली ह्यूमंस से लेकर मॉडर्न ह्यूमन बनने तक बहुत सारी चेंजेस अपनी खुद ही लाई है उसने, अपने ही जो है काम के कारण उसके ये मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ अच्छी भी हैं और कुछ बुरी भी हैं, ठीक है। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज द चेंज एनवायरमेंट। अब ऐसे तो नहीं था कि उसको उसको कैसे वो चेंज कर सकता था, वो एनवायरमेंट किस तरह वो चेंज ला सकता था उस एनवायरमेंट में, तो उसके लिए तो उसको बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। आप लोगों को जब आप यहाँ अब सेवन्थ क्लास में पहुंच गए हो, आपको इतनी ज्यादा जो है अब छोटी क्लासेस की नॉलेज है, तो किस तरह से आपको पढ़ना पड़ा ना, उसके लिए नॉलेज क्रिएट करनी पड़ी, गेन करनी पड़ी। उसी तरह से
ह्यूमन जो हैं अगर वो कोई ना कोई जो है चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन कैसे की उन्होंने, ठीक है, कुछ तो उनके दिमाग में आया होगा ना, कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर स्टार्ट किया मतलब क्रॉप्स जो है ग्रो करना शुरू की। अरे ह्यूमंस जो थे क्या थे, जंगलों में घूमने वाले आदिवासी मानव थे, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता था कि एग्रीकल्चर भी कोई चीज है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं हम सॉइल को, इसी लैंड को टिल्ट करके क्या कर सकते हैं, इसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं, खुद अनाज उगा सकते हैं, खुद अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं था पहले। अर्ली ह्यूमंस क्या होते थे, आपने सुना होगा, कहीं भी जंगल में रह लेते थे, पेड़ों के नीचे रह लेते थे, कपड़े भी पेड़ों के पत्तों के पहनते थे, ठीक है, और जो है कोई भी रॉ मटेरियल कुछ भी उनको खाने को मिल जाए, फ्रूट मिल जाए वो खा लिया, या किसी एनिमल को मार के खा लिया, ठीक है, इस तरह की उनकी जिंदगी थी। लेकिन धीरे धीरे जब मॉडिफिकेशन हुई, जब उसने सीखा, सीखते गया, अभी भी सीख रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है, हमारे ह्यूमंस जो हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसने सबसे पहले एग्रीकल्चर सीखा, सबसे पहले एग्रीकल्चर सीखा और क्रॉप्स ग्रो करना सीखा। उसके बाद उसने धीरे धीरे पता चला उसको कि भाई जो एनिमल्स हमारे आगे पीछे हैं ये भी तो हमारे काम आ सकते हैं, ठीक है, ये बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब जैसे हॉर्सेस हैं उनके ऊपर हम कितना ज्यादा बोझ लाते हैं, ठीक है, वो जो है सामान जो है पहुंचाते हैं इधर उधर, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, हमारा बर्डन कम हो गया, ठीक है। तो उन्होंने यही सोचा कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करेंगे अपने लिए, अपने फायदे के लिए। वो अब तो लोग गायें घर पे रखते हैं, उनसे हमें दूध मिलता है, और गांव में तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ को सेटल्ड करने के लिए हमें उनसे बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, व्हील की इन्वेंशन, ठीक है, ये भी जो है ह्यूमंस के द्वारा हुई, ठीक है, व्हील इन्वेंट हुआ जब, तो फिर धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी वगैरह ये सब जो है आए, ठीक है। तो पहले क्या होता था, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर उसको भूख लगी है तो उसने किसी एनिमल का शिकार किया, उसको मारा और खा लिया, और जो बचा उसको फेंक दिया, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आगे भी वो मेरे काम आएगा, लेकिन वो रखता भी कैसे उसको प्रिजर्व करके। लेकिन धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर हुआ तो उसने बहुत सारी जो है चीजों को स्टोर करना सीखा, बहुत ज्यादा मात्रा में फूड प्रिपेयर करना सीखा, ठीक है। अब ऐसा है कि एग्रीकल्चर में किसान अपने लिए भी कमाते हैं, अपने लिए उगाते हैं क्रॉप्स, लेकिन क्या करते हैं वो बाहर भी बेचते हैं ताकि उनका क्या हो, उनका फायदा भी हो, वो पैसा भी कमा सकें, ठीक है। तो अब देखो कितनी ज्यादा मॉडिफिकेशन ह्यूमन बींग्स में आई है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में मॉडिफिकेशन तो आ गई, ये तो एक जो है एक प्राइमरी थिंग है, ठीक है, मॉडिफिकेशन उसने लाई। लेकिन एक और भी हो गया ना, देखो काम करने से फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। उसने अपने मॉडिफिकेशंस के लिए, फर्नीचर के लिए, अपने कंफर्ट के लिए प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स काट दिए, जहां इंडस्ट्रीज बना ली, फैक्ट्रीज बना ली, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, पोल्यूशन भी तो हुआ, ठीक है, हमारी एयर कितनी पोल्यूट हो गई, वाटर बॉडीज कितनी पोल्यूट हो गई, ठीक है। तो ये सब जो है ह्यूमंस की वजह से ही होता है। तो इसलिए नो डाउट टुडे वी आर एबल टू अचीव व्हाट एवर वी वांट थ्रू इंटरेक्टिंग विद आवर एनवायरनमेंट। लेकिन अब देखो कितनी ज्यादा छेड़खानी हम एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसीलिए हमें जो भी करना है उसको एक हार्मोनियस वे में करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको प्लांट की एग्जाम्पल दी ना, तो प्लांट्स अगर हम काट रहे हैं अपनी जरूरत के लिए काट रहे हैं, ठीक है, मान लिया काट रहे हैं, ठीक है, हमें वहां पे इंडस्ट्रीज बनानी, हम काट रहे हैं, लेकिन वही प्लांट्स हम कहीं और भी लगा सकते हैं जिससे जो है वातावरण वैसा का वैसा रहे, ठीक है। हमारे जो एनिमल्स हैं हम बार बार उनको क्या करते हैं, काट, उनको भी अपने लिए यूज करते हैं, उनका शिकार करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है हमारी ही डाइवर्सिटी जो है क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उन चीजों को हमें रोक लगानी चाहिए, ठीक है, ये भी एक ह्यूमन का जो है बहुत बड़ा जो है काम है जिसको उसको करना चाहिए, ठीक है। तो यही था हमारा एक चैप्टर, आपने पूरा अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ा, तो आई होप आपको अच्छे से अब समझ आ गया। और अब क्लासेस में जब मैं आपको पूछूंगी तो आपको अच्छे से, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।